ये भारत बंद की तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सुबह से ही लोग आज सड़कों पर किस तरह उतरे और किस तरह SC ST एक्ट के विरोध में सवर्णों ने आज भारत बंद का ऐलान किया। और देश के ज्यादातर हिस्सों से आपने देखा तस्वीरें आई कि जहां लोग सड़कों पर उतरे और SC ST एक्ट के विरोध में पहली बार सवर्णों ने इस तरह व्यापक स्तर पर आंदोलन किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं तिलक नगर इलाके की, जहां से हमें ताजा अपडेट मिला है कि वहां भारतीय सवर्ण सेना ने अपने संगठन के द्वारा SC ST एक्ट के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। ये तस्वीरें उस सच को बयां कर रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। भारतीय सवर्ण सेना का यह प्रदर्शन तिलक नगर इलाके का है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, बिल्कुल तिलक नगर इलाका, ये वही रोड है जो नजफगढ़ रोड कहलाती है। तिलक नगर थाने के ठीक सामने हो रहा है ये प्रदर्शन। आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में किस तरह प्रदर्शनकारी आक्रोशित हैं और लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भारतीय सवर्ण सेना ने लगातार चेतावनी देते हुए अपने आंदोलन को तेज किया। उनका कहना है कि सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से वह आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। आइए सीधा लिए चलते हैं प्रदर्शनकारियों के पास, आखिर क्या कहना है इस पूरे मूवमेंट को लेकर। देखिए, आपको भी मालूम है कि हाल ही में केंद्र सरकार के उतावलेपन के कारण जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है उसके अंदर जो संशोधन हुए थे, जिसके अंदर भी कि बिना मतलब में व्यक्ति को हर हाल में चाहे वो कितना ही बेकसूर क्यों ना हो 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ेगा, उसमें वापिस उसको करे जाने के लिए उसमें पुनः संशोधन की मांग को लेकर केवल हमारी नहीं पूरा राष्ट्र में ये मांग उफान पर है। इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और अन्य संगठन सभी 16 अगस्त को जंतर मंतर चौक में गए थे, जहां हमने ये कहा था कि आज मिलिए आजाद भारत के गुलाम लोगों से, क्योंकि 15 अगस्त को बेशक राष्ट्र आजाद हुआ लेकिन 16 अगस्त को आजादी के बाद ये देश इस संविधान का गुलाम बन गया। ध्यान रखिएगा, आज ये सिर्फ छोटी सी चिंगारी आपको क्षेत्र वाइज नजर आ रही है, इसके बाद अगर केंद्र सरकार की कान पर आज भी जू नहीं रहती है तो हम लोगों की तरफ से संसद मार्ग पर संसद भवन के सामने पितृपक्ष की अमावस्या को 9 अक्टूबर को केंद्र सरकार का श्राद्ध किया जाएगा और उसके बाद 6 दिसंबर को संसद भवन का अनिश्चितकालीन घेराव। आदरणीय मोदी जी के माध्यम से संपूर्ण बीजेपी पार्टी को और बीजेपी पार्टी में जितने भी समर्थ सांसद और विधायक हैं उनको भी इस बात का आगाह करना चाहता हूं, अगर वो इस नियम को बिना वापस जहां था कानून वहां गए तो हम लोग इस विरोध को और पूर्ण प्रदर्शन करेंगे। आज जो पुतला फूटा गया है ये तो एकमात्र ब्राह्मणों का अभिशाप है। अभी हमारे पास एक तंत्र है, अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उनको हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगर वो 2 महीने के अंदर सही रास्ते पर नहीं आते हैं और अपने फैसले को नहीं बदलते हैं तो आज हमने पुतला फूंक कर उनका दाह संस्कार किया है, अभी उनकी 13वीं और 17वीं बाकी है, अगले कार्यक्रम में हमेशा हमेशा के लिए उनकी 13वीं और 17वीं करने का प्रोग्राम करेंगे। कि अभी पत्रकार बंधुओं ने मेरे से क्वेश्चन किया कि किसके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो भारतीय समर पार्टी के नेतृत्व में प्रोग्राम हो रहा है, उसका नेतृत्व हमारे बड़े भाई राकेश शुक्ला जी कर रहे हैं। कल शाम को ही जब भारत बंद के बारे में हम लोग न्यूज चैनलों पर देखे कि पूरा भारत बंद रहेगा तो हम लोग भी समर थे, हम लोगों के ब्लड में उबाल आया कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मोदी जी हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो वोट उनका नहीं था उसको वोट बैंक बनाने में लगे हुए हैं और जो उनका वोट है उस वोट पर वो लात मार रहे हैं, तो अब हम लोग समर समाज चुप रहने वाले नहीं है। आज प्रदर्शन के माध्यम से उनका पुतला दहन करके उनको चेतावनी दिया गया है कि ब्राह्मण समाज के लोग अब चिंगारी बन चुके हैं, अगर इस चिंगारी से आपको जरा सा भी सुतुति दिया परशुराम भगवान ने तो आप अपने पुनः विचार करें। और तो सुप्रीम
अब इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे राम कुमार राय, जो कि चेयरमैन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा समिति के, और हमेशा जरूरतमंदों की आवाज उठाने के लिए वह जाने जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है आखिर उनका कहना इस पूरे मूवमेंट को लेकर। देखिए, ये जो ब्राह्मण समाज जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद कहूंगा। और गुरु पाठक जी का अगुवाई में हुआ है। कहते हैं मोदी जोगी रोगी, ये तो मोदी जोगी तो ये तो रोगी बना दिया देश को। तो इसका जवाब जो है 2019 में दे दिए जाएंगे कि जनता क्या होती है। और इस तरह जैसा कर रहा है तो अत्याचार हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो सोच यही है, हम सब इसके जो है बिल्कुल बुलंद आवाज उठाएंगे और इसके लिए जो है 2009 में इसको जवाब देंगे, ये सोच लिया हम लोग ने। धन्यवाद। और जो ही मोदी जी कर रहे हैं अत्याचार पेट्रोल पर और SC ST के ऊपर, ये सब गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए कभी जिंदगी में। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो ये कर रहे हैं। सरकार दलित वोट बैंक को कब्जे में लेते लेते कहीं अपना सर्वर वोट बैंक ना खो दे, इसका भी सरकार को ख्याल रखना होगा। वरना आने वाले दिनों में यानी 2019 में अगर इसका तुरंत समाधान नहीं निकाला गया तो अवश्य सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। एक तरफ दलित वोट बैंक, दूसरी तरफ सर्वर वोट बैंक। अब यह सरकार को तय करना होगा कि इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बनाकर अपनी भूमिका बनाए रखती है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।